आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, और आपको लग रहा है कि ये डेड एंड है, आपको लग रहा है कि यार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू कर देते हैं। एक नौकरी कर रहे होते हैं, फिर आप दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू कर देते हैं, फिर तीसरी नौकरी ढूंढनी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार अब मैं और कैसे कमाऊंगा। आप 20,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, 50,000 तनख्वाह ले रहे हैं, तो अब आप 70,000 चाहिए आपको, तब आपको 80 चाहिए, 80 के बाद लाख चाहिए, लाख के बाद 2 लाख चाहिए। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, कभी एक की खिदमत करते हैं, एक कंपनी की बात कर रहा हूं या इंडिविजुअल्स की जो भी है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, इसी तरह आपका लाइफ टाइम गुजरता जाता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कितना टाइम जाया कर दिया आपने। मैंने भी सारी जिंदगी नौकरियों में टाइम जाया कर दिया, बाकी लोगों ने हमारे, क्योंकि हमें बड़ों ने भी यही बताया था, हमारे टीचर्स ने कभी, जिस तरह मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, दिया ही नहीं, हमें बताया नहीं कि नौकरी के अलावा कुछ होता है। हमें यही बताया था कि पैदा होना होता है, आपने पढ़ना होता है, आपने नौकरी करनी होती है, आपने शादी करनी होती है, बच्चे पैदा करने होते हैं, उनकी शादी करानी होती है और मर जाना होता है। दैट्स अ सिंपल लाइफ एंड अ सेफ लाइफ। क्योंकि अगर कुछ भी और करने की कोशिश की, कहीं पे नुकसान हुआ, तो तुम तबाह हो जाओगे, तुम ख्वार हो जाओगे, तुम बुरे इंसान हो गए, तुम जलील हो गए, तुम ये हो गए, तुम वो हो गए, तुम सब कुछ तबाह करने, यहीं पर हम लोग मार खाते हैं। क्योंकि हम जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते एक्स्ट्रा, क्योंकि हम कंफर्म हो जाते हैं। बचपन में सारों ने एक ही तरह से स्कूल में बैठना है, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, उसके बाद बड़े हो गए, कॉलेज में एक ही तरह से बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, नंबर की दौड़, स्कोर की दौड़, नंबर की दौड़ लगी हुई है, लगा रहे हैं बस। हासिल क्या कर रहे हैं? कुछ हासिल कर रहे हैं? हासिल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम उसी पैटर्न को, उसी फॉर्मूले को जो हमारे एल्डर्स ने फॉलो किया, उसी को फॉलो करते हुए ये हमारे टीचर्स ने फॉलो किया, वो डिग्री करके टीचर लग गए, रिटायर होके पेंशन लेके घर चले गए। वेयर आर वी यार? लेकिन ये जिंदगी तो, ट्रस्ट मी, ये जिंदगी तो जानवर भी गुजार रहे हैं, परिंदे भी गुजार रहे हैं, इंसान क्या जिंदगी गुजार। तो अगर जो आप वाकई कुछ तरक्की करना चाहते हैं ना, तो अच्छी जॉब मत ढूंढे। वो अली बाबा का जो ओनर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अच्छा बॉस ढूंढे, अच्छे बॉस से सीखें कि किस तरह बिजनेस होता है, और फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। अब आप कहेंगे कि बिजनेस के लिए पैसा कहां से लाएं? पैसा आपको बाद में चाहिए होता है, पहले आपको बिजनेस पे बूट चाहिए होता है। पैसा आपकी सेल्फ, आपकी क्वालिटी के ऊपर लोग लगाने को तैयार हो जाएंगे, अगर जो आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। आपको पता ही कुछ नहीं है, आपको 10 करोड़ भी आपने पकड़ा देंगे, आपको पता ही नहीं होगा, आपकी एक्सपर्टीज ही नहीं होगी, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे जबकि आपका बॉस मैनेज कर रहा है। तो सबसे पहले बीच में अपनी नौकरी के दौरान, किसी भी नौकरी में हो, आप क्लर्क ही क्यों ना हो, स्किल्स को एनहांस करें, नॉलेज को एनहांस करें, उस प्रोसेस को समझें जिसमें आप लगे हुए हैं, और उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आप कोई भी इंसान हो, वो आपसे आगे पूछे कि यार इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, और आपके पास जवाब हो, विदिन 2 ईयर्स 3 ईयर्स आप उसके अंदर एक प्रोफेशन की, एक अथॉरिटी की सूरत इख्तियार कर लेंगे, तो फिर कहीं जाके आप जो है उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपके साथ लोग भी कहेंगे यार आप हमारी कंपनी क्यों नहीं बनाते, आप उस कंपनी में जाने, आप हमारे साथ आगे कंपनी में काम करें, बोलेंगे कंपनी में काम नहीं, मेरे साथ इन्वेस्ट करें, मैं कंपनी बना रहा हूं, ऑटोमेटिकली आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो ये इतनी लंबी कहानियां, इतनी लंबी स्टोरियां जो लोग नौकरी के लिए सारों को तैयार कर रहे हैं कि जी ये जी CSS के इंटरव्यूज हो रहे हैं, जी ये इसका ये हो रहा है, जी ऐसी तैयारी, ऐसी प्रिपरेशन हो, भाई बिजनेस के लिए प्रिपेयर हो जाएं। हम क्यों नहीं समझ रहे कि वर्ल्ड इज चेंजिंग? इसके ऊपर फिर मैं बात करूंगा कि हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। हम 1970s, 1980s, 1990s की लाइफ क्या थी और अभी की लाइफ क्या है? तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम फॉर योर ग्रोथ, के बेटर जॉब मिल जाए और आपको जो है ना जी अच्छे तनख्वाह मिल जाए। नहीं यार, अपने लिए कुछ सोचो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और फिर आप आगे जा सकते हैं। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इसके ऊपर मजीद हम बैठ के भी किसी वक्त डिस्कशन कर सकते हैं। आई विल गिव यू मोर डिटेल्स, बट अभी मुझे कुछ